रहली विधानसभा के प्रत्येक गांव में परिवर्तन पदयात्रा लेकर जा रहे कांग्रेस नेता कमलेश साहू ने कहा कि कुछ गांव ऐसे मिले हैं जहां महीनों से बिजली नहीं है, कहीं बिजली के ट्रांसफार्मर खराब हैं, तो कहीं जम्फर टूटे हैं, तो कहीं खम्भे ही नहीं हैं और विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में कुर्की की जा रही है। विद्युत विभाग के कर्मचारी देहातों से पैसे लेते हैं लेकिन जमा नहीं करते। अभी हाल ही में बच्चों की बोर्ड परीक्षा होना है, बच्चे मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई कर रहे हैं, यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बीडी पटेल ने बताया। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रहली द्वारा एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है, अगर दो दिन के अंदर बिजली की समस्या का समाधान नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। ब्लॉक अध्यक्ष बलराम साहू ने कहा, स्थानीय विधायक केवल विकास के नाम पर ढिंढोरा पीटते हैं, धरातल पर कुछ नहीं है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विद्युत मंडल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखिए, अभी हम लोगों का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है और हम लोग घर घर जा रहे हैं। पूरे रैली विधानसभा क्षेत्र के जिन घरों तक हम लोग गए हैं, ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहां बिजली की समस्या ना हो। और कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है तो कहीं जानबूझ के ट्रांसफार्मर उतार दिए गए हैं, कहीं कटौती कर दी गई है, कहीं बिजली के बिलों की अवैध वसूली की जा रही है। और यहाँ तक की स्थिति है कि किसानों के सामान भी उठा के ला रहे विद्युत मंडल के लोग, किसी की मोटरसाइकिल ला रहे, किसी का कुछ सामान उठा के ला रहे, जब्ती बना रहे हैं। हम लोगों का कहना ये है कि अभी बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं और ऐसे में ना ही विद्युत कटौती की जाए, और किसान काफ़ी महंगाई से भी परेशान हैं और अभी फसलें भी नहीं आई हैं, तो हम लोगों की मांग है कि किसानों से अभी इतनी सख्ती से वसूली ना की जाए कि किसान मजबूर हो जाए किसी चीज़ के लिए। हमारा निवेदन ये है कि लाइट पर्याप्त मात्रा में दी जाए एक एक गांव में, और हर गांव की लाइट की मॉनिटरिंग विद्युत विभाग के लोग करें, बड़े अधिकारी देखें, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, किसानों के साथ खिलवाड़ ना हो। अगर मांगें पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? हम लोगों ने कहा है, यदि हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, यहीं गांधी मूर्ति के यहाँ धरना देंगे।